Nice. So guys, for today, this is my pre-workout meal. और यहाँ पे मेरे पास है मल्टीग्रेन ब्रेड. और मल्टीग्रेन ब्रेड के आप साइड में देखोगे यहाँ पर ऐसे होता है, ये अलग अलग ग्रेन्स होते हैं. और मल्टीग्रेन ब्रेड इज़ एक्सपेंसिव देन यूजुअल ब्रेड. ये 15-20 रुपए ज़्यादा महंगी होती है, बट इसमें ज़्यादा न्यूट्रिशन होता है, इसलिए मोस्ट ऑफ द टाइम्स, नॉट एवरी टाइम बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई बाय दिस. और इसके बीच में है मेरे पास सॉसेजेस, ये मैंने ग्रीन चिक चॉप से खरीदे हैं. और ये सलामी फ्लेवर्ड सॉसेजेस हैं, फ्लेवर्ड सॉसेजेस हैं, तो इसमें थोड़ी सी मिर्ची है और साथ में मैंने केचप लगाया हुआ थोड़ा सा, तो आप देख सकते हो यहाँ पे. और ये बहुत टेस्टी है, मतलब सही मील है ये. और यहाँ पे मेरे पास है 500 ml छाछ बटर मिल्क फ्रॉम अमूल. सो दिस इज़ माई प्री वर्कआउट मील. यूजली मैं ये नहीं कंज्यूम करता, बट फॉर अ चेंज आज मैंने सोचा ये ट्राई करते हैं और टेस्ट भी बढ़िया है इसका, मतलब मजा आ गया. सो गाइस, व्हाई डू आई से दैट दिस इज अ गुड प्री वर्कआउट मील? बिकॉज जो आपका प्री वर्कआउट मील होता है दैट शुड हैव अ डिसेंट सर्विंग ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन एंड लो इन फैट. एंड ये जो मील है ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है. और इसमें जो मैक्रोज हैं वो मैं अभी स्क्रीन पर डिस्प्ले कर दूंगा ताकि आप लोगों को एक आइडिया लग सके कि वाई आई एम ईटिंग दिस बिफोर माय लेग डे. और लेग डे खतरनाक भी होता है, तो जो आपका प्री वर्कआउट मील है वो बढ़िया होना चाहिए. सो गाइस, टुडे इज़ लेग डे एंड कंप्रेशन पैंट्स पहनने हैं, तो आई एम प्रेटी कन्फ्यूज्ड कि कौन सा वाला चूज़ किया जाए, ब्लैक और ग्रे. आई लाइक ग्रे मोर क्योंकि इसकी फिटिंग ज़्यादा अच्छी है एंड ये नाइकी है, नाइकी इज़ माई फेवरेट ब्रांड, बट आज ब्लैक के साथ जाते हैं. पहले बाल खड़े नहीं थे मेरे, मैं साइड की मांग में रहता था, कस्टम की पड़ता थे तेल, इतना ही आता था. स्पोर्ट्स में मैं आगे था, लुक भी मेरा गंदा था, पता नहीं यार मैं कैसा था, मैं बड़ा बोर सा बंदा था. दोस्तों पे गाड़ी थी, मेरे पे साइकिल थी, पास नहीं आता था जैसे जेब में रखी राइट पर थी. बस भाई बस बस भगा देते हैं मुझको. अबे हाँ बस आवाज कम करे यार, पूरी पूरी. हाँ गाइज, टुडे इज लेग डे, मैं लेग्स करूंगा. त्यागी क्या कर रहा है, प्लीज कर ले लेग्स यार, कर ले. त्यागी के पैर अभी ठीक हो चुका है बट ये फिर भी लेग. हाँ भाई सच बता, वो मैंने मास्क की परत चढ़ा रखी है ऊपर से गोल कलर की, तो वो गोल फिर भी चप 20 मोड, नो पेन नो गेन, नो पेन नो गेन. चल कर ले साथ में करके मजा आएगा. ये नो पेन नो गेन के चक्कर में ना आधी ज्यादा बसूड़ी मच रखी दिल्ली में. अच्छा और गाइस मेरे को ये मत, इसकी लाइन कॉपी मत करना लाइफ में कभी, नो पेन नो गेन. इंजरी करवा देगा किसी दिन लाइफ में तुम्हारी बाइसेप्स से लग रहा. हाँ मतलब ऑब्वियसली अगर आपको इंजरी है तो ऑब्वियसली आपको नहीं ट्रेन करना चाहिए इंजरी में, बट त्यागी की इंजरी ठीक हो गई है, बट मुझे लग रहा है फिर भी लेग डे से दूर भाग रहे हैं. एनीवे मैं आपको आज बताऊंगा कि सुमो डेडलिफ्ट की फॉर्म वगैरह बताऊंगा, क्योंकि आप में से काफी लोग मुझसे पूछ रहे थे, बट उससे पहले बोलना पड़ता है काफी लोग आपसे पूछ रहे थे. मुझे बहुत सारे डीएम्स हैं, मुझे बहुत सारे मैसेज हैं, कुछ ना आए होते जो भी बोलते हैं ना, कुछ नहीं आए होते, हम कुछ से बता रहे होते हैं. और आई एम गोइंग टू टेक माय प्री वर्कआउट, एंड प्री वर्कआउट इज समथिंग मैंने बीच में थोड़ा टाइम लेना छोड़ दिया था, बट बैक टू इट बिकॉज अब हमें करनी है हैवी लिफ्टिंग. और आई एम टेकिंग फिट अप लाइफ का प्री वर्कआउट. थैंक्स ब्रो. आप देख सकते हो इसका बॉक्स क्या मैं लूंगा भाई, निकल ले यहां से. सो वन स्कूप. So it is going to charge me up. So let's go. So guys, सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि आप डेडलिफ्ट मारने के लिए जो भी प्लेट यूज कर रहे हो तो ट्राई करो आप जिम में जो सबसे लंबी प्लेट अवेलेबल है उसको यूज करो, क्योंकि मैंने देखा है कुछ लोग 5-5 की या 10-10 की प्लेट यूज करते हैं एंड उन प्लेट्स की हाइट थोड़ी सी कम होती है, तो उससे क्या होता है कि आपको ज्यादा नीचे आना पड़ेगा बार को ग्राउंड से टच करने के लिए और फिर उतनी ही नीचे से उठाना पड़ेगा. सो दिस माइट रिजल्ट इन राउंडिंग ऑफ बैक. इसलिए मैं भी पर्सनली क्या करता हूं, मैं सीधा 20-20 की प्लेट यूज करता हूं आफ्टर माय वार्म अप्स, बिकॉज 20-20 की प्लेट इज द लॉन्गेस्ट प्लेट इन माय जिम, उसकी हाइट सबसे ज्यादा है. अगर आप उतने वेट तक नहीं जा सकते हो जितनी लाइक बड़ी प्लेट्स हैं, तो आप अपने नॉर्मल वेट या 5-5, 10-10 लगा रहे उसके नीचे प्लेट्स के नीचे एक स्टेपर रख लो ताकि बार की हाइट ग्राउंड से थोड़ी ऊपर उठ जाए और आप इफेक्टिवली डेडलिफ्ट को परफॉर्म कर सको. एंड गाइस प्लीज प्लेट लगाने के बाद लॉक भी लगाया करो, क्योंकि अगर आपको एक से ज्यादा रेप मारना है तो आपकी जो प्लेट है वो बार बार ग्राउंड के साथ कॉन्टैक्ट में आकर फिसल के वो बाहर की तरफ निकलने लग जाती है एंड उससे क्या होगा आपके हाथ में जो बार है वो डिसबैलेंस हो सकता है, इसलिए लॉक लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है. एंड द नेक्स्ट थिंग इज टू मेक श्योर बार जमीन पे बिल्कुल सीधा पड़ा है, क्योंकि जिम के फ्लोर टेढ़े मेढ़े होते हैं कहीं जगह, तो बार फिसल के इधर उधर हो जाता है. एंड सिंस वी आर डूइंग सुमो स्टांस डेडलिफ्ट, तो आपके पैर वाइड ओपन होंगे एंड कितनी विड्थ पे आपको पैर रखने हैं दैट विल डिपेंड फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल एंड आपको थोड़ा हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा. एंड आप कुछ रेफरेंस पॉइंट ले सकते हो, जैसे जो बार पे क्रीज बनी होती है तो आप उसको ले सकते हो कि मैं इसके अंदर रखूंगा पैर या इसके बाहर रखूंगा, सो दैट यू कैन मेक श्योर आपके दोनों पैर इक्वी डिस्टेंट है
एंड आपकी जो फीट है दैट विल बी फेसिंग आउटवर्ड्स एट अप्रॉक्सिमेटली 45 डिग्रीज एज यू कैन सी एंड आफ्टर दैट होल्ड द बार एट योर शोल्डर विद एंड अगेन बार की क्रीज से आइडिया ले लेना कि आपके दोनों हाथ बिल्कुल सेंटर में है एंड बार के कोने से इक्वल डिस्टेंस पे है एंड आफ्टर डूइंग ऑल दीज थिंग्स यू हैव टू लिफ्ट द बार अप लेकिन उससे पहले आपको एक छोटी सी चीज करनी है विच इज ऑल्सो प्रोबेबली द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एंड विच इज ऑल्सो समथिंग दैट पीपल आर नॉट डूइंग. आप देखोगे मैं वेट को उठाने से पहले एक छोटी सी ट्रांजिशन करता हूं, मैं अपने बार को एक अपवर्ड फोर्स देता हूं जिससे क्या होता है मैं अपने लैट्स और अपने ग्लूट्स को पहले ही एंगेज कर लेता हूं. मतलब मैं वेट को उठाने से पहले ही अपने लैट्स एंड अपने ग्लूट्स को एंगेज कर रहा हूं. दिस इज कॉल्ड पुलिंग अप द स्लैक. और अब मेरी पोजिशन देखोगे, मेरे हाथ बिल्कुल स्ट्रेट है, मैं एक अपवर्ड फोर्स लगा रहा हूं, मेरे ग्लूट्स एकदम टाइट लग रहे हैं, मेरे लैट्स भी एकदम टाइट लग रहे हैं. दिस इज कॉल्ड पुलिंग अप द स्लैक एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप जो आपको कोई भी डेडलिफ्ट ले दे सकता है. दिस गोज फॉर सुमो डेडलिफ्ट एज वेल एज कन्वेंशनल डेडलिफ्ट एंड इसको करे बिना आप इफेक्टिवली डेडलिफ्ट परफॉर्म कर ही नहीं सकते. दिस इज लाइक द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट थिंग. मैं इतना बोल रहा हूं मतलब कुछ तो बात होगी ना, तो ये चीज ध्यान से सुनो. आप देखोगे कि मैं हर रेप के बाद ये सेम स्टेप परफॉर्म कर रहा हूं, इसलिए मैं टच एंड गो डेडलिफ्ट प्रेफर नहीं करता. मैं हर रेप के बाद बार को नीचे रखता हूं, अपने स्लैक को ऊपर पुल करता हूं, एक अपवर्ड फोर्स लगाता हूं, अपने ग्लूट्स एंड अपने लैट्स को टाइट करता हूं, फिर अगला रेप परफॉर्म करता हूं. एंड दिस इज द करेक्ट वे टू परफॉर्म अ डेडलिफ्ट. एंड गाइज लेट मी टेल यू वेरी फ्रेंकली दैट ये सारे पॉइंट सुनने और इंप्लीमेंट करने के बाद भी आपको काफी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी टू गेट गुड एट डेडलिफ्ट. बिकॉज आई अंडरस्टैंड डेडलिफ्ट थोड़ी सी टेक्निकल एक्सरसाइज है एंड इट इज अ कॉम्पाउंड मूवमेंट, तो आपको काफी छोटे छोटे फैक्टर्स का ध्यान रखना पड़ता है. बट विद प्रैक्टिस यू विल गेट गुड एट इट. मैंने भी इसकी काफी प्रैक्टिस करी है और अभी भी कर ही रहा हूं. आई एम ऑलवेज लर्निंग बट आई हैव गॉट माई बेसिक्स क्लियर, तो मैं इसलिए आपके साथ वो शेयर कर रहा हूं. बिकॉज ये सारे पॉइंट्स आपको मन में रखने ही पड़ेंगे इफ यू वॉन्ट टू effectively perform a deadlift. And one more tip which is called core bracing, या फिर अपने कोर को टाइट रखना. And during the entire lift आपको अपने कोर को, अपने लोअर बैक को, अपने abdomen को एकदम टाइट रखना है ताकि आप इफेक्टिवली वेट भी उठा पाओ और आपको इंजरी के चांसेस एकदम मतलब खत्म हो जाए. एंड आप देखोगे मैं वेट उठाने से पहले एकदम से सांस लेता हूं अपने पेट में एंड तब वेट उठाता हूं, उससे मैं अपना कोर टाइट रख पाता हूं. एंड सांस आपको पेट में लेनी, अपनी छाती में सांस मत भरना, अपने पेट में सांस भरना. एंड इमेजिन इट एज इफ अगर मैं आपको बोलूं कि मैं आपके पेट में मुक्का मारने वाला हूं, ठीक है, तो आपको पहले ही बोल दूं तो आप प्रिपेयर हो जाओगे और अपने पेट में सांस लेके अपना पेट को टाइट रख दोगे. तो वैसे ही लिफ्ट से पहले इमेजिन करो, एकदम से सांस अंदर लो पेट में और पेट को पूरा, पेट वाले एरिया को पूरा टाइट रखो, इससे आपका कोर पूरा टाइट रहेगा. एंड दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट टिप एंड दिस गोज फॉर ऑल कॉम्पाउंड मूवमेंट्स. सो गाइज दीज आर सम पॉइंट्स दैट यू हैव टू कीप इन माइंड टू परफॉर्म अ डेडलिफ्ट इफेक्टिवली. एंड स्टांस के अलावा बाकी सारे पॉइंट्स आर प्रीटी मच कॉमन फॉर अ कन्वेंशनल स्टाइल डेडलिफ्ट या फिर सुमो स्टाइल डेडलिफ्ट. एंड आई होप यू गाइज गॉट टू लर्न समथिंग एंड अच्छे से प्रैक्टिस करो एंड विद टाइम यू विल गेट गुड एट इट. गाइज आपको एक चीज बताऊंगा बढ़िया वाली कसम नेक्स्ट स्टेप की, ठीक है. मैंने अपने जिम में थोड़े दिन पहले एक बंदा देखा, ठीक है, उसने अपने वर्कआउट शुरू करने से पहले वॉशरूम गया दूसरे बंदे को लेके, उसने भाई स्टेरॉइड का इंजेक्शन मारा और मुझे नहीं पता कौन सा स्टेरॉइड है, ऑब्वियसली मेरे को स्टेरॉइड के बारे में इतनी डिटेल नहीं पता, बट उसने मारा इंजेक्शन, ठीक है, और ठीक ठाक बॉडी थी उसकी. और बंदे को अपनी जो एक्सरसाइज करनी है उसकी फॉर्म तक नहीं पता, ठीक है, फॉर्म तक घंटा नहीं पता. डेडलिफ्ट मारा था बंदा, डेडलिफ्ट वेट लगाया हुआ 100-120 किलो, फॉर्म ही है ये फॉर्म. और मतलब बंदे को भाई मतलब तुम स्टेरॉइड मार लो, तुम बॉडी बना लो, भाई तुम्हें एक्सरसाइज करनी नहीं आती, भाई क्या फायदा है इस चीज़ का. गाइस अगर आप मुझे फॉलो करते हो ना, प्लीज स्टे नेचुरल फॉर लाइफ, स्टेरॉइड से दूर रहो, नॉट वर्थ इट. पहले सीखो कि एक्सरसाइज करते कैसे, ठीक है, दैट्स अ स्किल. और एक्सरसाइज आप ओवर टाइम सीखते हो, बट यू शुड हैव एन ओपन माइंड. लोगों को लगता है स्टेरॉइड ले लिए बॉडी बना ली हम बन गए एक्सपर्ट, ऐसा नहीं होता. एक्सपर्ट बनने के लिए यू हैव टू लर्न एंड अप्लाई नॉलेज बाय मोहित बिस्ट. सो गाइज वर्कआउट डन एंड फॉर पोस्ट वर्कआउट शेक यहाँ पे मेरे पास है वन स्कूप ऑफ फिट अप लाइफ वे एंड दिस इज डच चॉकलेट सेंसेशन फ्लेवर, तो अभी मैं ये पीऊंगा. सो गाइज द फ्लेवर इज गुड एंड एक्चुअली दे हैव सेंड मी देयर प्रोडक्ट्स अराउंड एक महीना पहले और यहाँ पे मेरे पास वे प्रोटीन है विच हेल्प्स मी टू हिट माई प्रोटीन टारगेट फॉर द डे. और प्री वर्कआउट जो मैं आपको दिखा चुका हूँ दिस रियली वेक्स यू अप बिफोर अ हैवी वर्कआउट. एंड आई ऑल्सो हैव क्रिएटिन विच इज गुड फॉर स्ट्रेंथ एंड जिम परफॉर्मेंस. एंड आई ऑल्सो हैव मल्टी वाइटामिन दैट मेक श्योर आई गेट माई वाइटामिन एंड मिनरल्स डेली. और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट दैट इज फिश ऑयल दैट इज गुड फॉर माई जॉइंट्स एंड माई स्किन. एंड इनके सारे प्रोडक्ट्स आर FSSAI अप्रूव दैट स्टैंड फॉर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया. एंड आपको लैब रिपोर्ट भी मिल जाएगी साथ में. एंड वन ऑफ द मोस्ट यूनिक थिंग इज दैट इनके प्रोडक्ट्स काफी लाइक अफोर्डेबल है एज कम्पेयर टू द कॉम्पिटिटर्स. सो अगर आपका
बजट इशू है तो आप आराम से इसको अफोर्ड कर सकते हो। सो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में पहली लिंक डाल दूंगा, यू कैन गो एंड चेक आउट द प्रोडक्ट्स एंड इफ यू वांट यू कैन गो अहेड एंड बाय इट। सो गाइस दैट्स इट फ्रॉम द वीडियो, आई होप यू गाइस एंजॉयड इट एंड आई नो ये वीडियो थोड़ी सी छोटी थी और इसमें इंफॉर्मेशनल कंटेंट थोड़ा सा ज्यादा था एंड दिस इज समथिंग न्यू आई हैव डन कि मैंने एक एक्सरसाइज का ट्यूटोरियल दिखाया हो इस तरीके से एंड डेडलिफ्ट का मैंने पहले से ही सोचा हुआ था क्योंकि डेडलिफ्ट इज समथिंग आई डू अ लॉट एंड आई शो अ लॉट, मेरी हर दूसरी तीसरी वीडियो में डेडलिफ्ट ही कर रहा होता हूँ। तो अगर आपको पसंद आया तो नीचे कॉमेंट में मुझे बता देना, मैं आगे वीडियोज़ में ऐसे ही बीच में और ट्यूटोरियल इंक्लूड कर सकता हूँ इसी तरीके से, जिससे आपको काफ़ी फायदा होगा आई बिलीव सो। सो लेट मी नो। और अगला व्लॉग बहुत मस्त होने वाला है क्योंकि उसका कंटेंट काफ़ी सारा रिकॉर्ड हो चुका है, मज़ा आएगा आपको बहुत, पहले ही बोल रहा हूँ। और अगर अपना ही हो तो सब्सक्राइब कर देना और जो पुराने वाले उनको पता है लाइक करना वीडियो को और बस अगली वीडियो में वापस आ जाना। बस बाय, टेक केयर, दिस इज़ मोहित बिश।